विजय देना रत्तम। अम्मा अभी पहुँचे नहीं ऑफिस। तू कहीं फटफटी चलाते बात तो नहीं कर रहा है ना? लो रोक लिए फटफटी। नहीं अम्मा ऐसा नहीं है। चलिए हटिए हटिए। चलिए आप लोग हटिए यहाँ से, जाइए यहाँ से। चलिए सब लोग हटिए। इसकी अम्मा का फोन है। हेलो हेलो मुन्ना, क्या हुआ? मैं सब इंस्पेक्टर नीलिमा द्विवेदी बोल रही हूँ। आप सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। क्या? मेरा विकास कहाँ है? आपको सब वहाँ पता चल जाएगा। आप सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। दिन दहाड़े एक नौजवान की हत्या कर दी जाती है। न कोई चश्मदीद गवाह, न किसी तरह का सबूत। पुलिस ऑफिसर दिनेश सिंह और नीलिमा यादव, क्या ये दोनों हमलावरों तक पहुँच पाएंगे? इस भयंकर हादसे को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड की पहचान और उसे गिरफ्त में लाने के लिए पुलिस को किन किन जद्दोजहद से गुजरना पड़ेगा? क्या पुलिस गुनहगार तक पहुंच पाएगी? आइए देखते हैं। मेरा मुन्ना, मेरा विकास, ये क्या हो गया तुमको? मेरा विकास, संभालिए अपने आप को। मेरा मुन्ना, पानी पीछे। जब तक मेरे बेटे के कातिल को सजा नहीं मिल जाती, तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। देखिए माताजी, हम आपके बेटे के कातिलों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाएंगे। लेकिन तब तक आप साहब, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करके अपने बच्चे को बड़ा किया, लेकिन जब वो ही नहीं रहा तो मैं भी जी कर क्या करूंगी? मैं भी। थोड़ी शांति रखिए माता जी, आपको हम लोगों की मदद करनी होगी। माता जी, आपका किसी भी कोई शक? ना साहब ना, हमारी किसी से भी ना दुश्मनी ना लड़ाई झगड़ा। आज वो पहली बार काम पे जा रहा था, उसकी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगी थी और उसका ऑफिस इंदिरापुरम में था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही किसी ने मार दिया। हाँ नीलिमा, नीलिमा कोई अपडेट? सर, सोशल नेटवर्किंग साइट पे विकास के बारे में कुछ खास नहीं पता चला है। बहुत सिंपल सा प्रोफाइल है, ना कोई पॉलिटिकल कमेंट, ना कोई लड़की का चक्कर। विकास की माँ लोगों के घरों में बर्तन कपड़े मांजती है, फिर उसके पास बाइक कहाँ से आई? बाइक के पेपर चेक करो, कब कैसे और कहाँ से खरीदी और पैसे का पूरा सोर्स सब मुझे पता करके बताओ। ओके सर। क्या सर, आरटीओ से रिपोर्ट निकाली है, बाइक विकास के नाम पर ही है, चौधरी मोटर्स से ली गई है। जब वहाँ के मैनेजर से बात करी तो उसने बताया कि विकास खुद वहाँ बाइक लेने के लिए आया था, जल्दी में था और सर पेमेंट कैश पे है, पैसे का पता करना मुश्किल है। विकास की माँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, शायद उसके मोहल्ले वालों से मिल जाए। जी साहब। विकास को जानते हो? जी साहब। कैसा लड़का था विकास? एकदम गो लड़का था सर। विकास ने कभी पैसों के लिए कोई झोलझाल किया? नहीं सर। किसी गुंडागर्दी में शामिल था क्या वो? नहीं साहब, वो तो बहुत सीधा साधा लड़का था। उसकी पढ़ाई लिखाई कौन से कॉलेज से हुई? शायद विवेकानंद इंजीनियरिंग कॉलेज से। विकास दुबे को जानते हो? विकास? हाँ सर। मर्डर हुआ उसका। मर्डर? कॉलेज में किसी से कोई दुश्मनी थी क्या उसकी? नहीं सर, वो तो किसी से नहीं लड़ता था। कोई कॉलेज पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो? नहीं सर, वो तो बेचारा लाइब्रेरी में ही पढ़ा रहता था। किसी लड़की लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर उसका? नहीं सर, उससे लड़की तो पटाने आता ही नहीं था, वो जेंटलमैन टाइप का था। तुम लोग विकास के अच्छे दोस्त हो ना? हाँ सर। कोई अंदाजा, किसी पे कोई शक, किसने मारा होगा उसको? थैंक यू। कातिल तक पहुंचने से पहले हमें कत्ल की वजह जाननी होगी, कोई सुराग, कोई सबूत जिससे कि हम कातिल को पकड़ सकें। सर कहीं ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस तो नहीं? किसी और को मारना चाह रहे हो और गलती से विकास को मार डाला? नहीं, मुश्किल, क्योंकि विकास पर जब गोलियां चली तो वो अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा था, हेलमेट भी उतरा हुआ था, तो चेहरा तो दिख ही रहा होगा। वो लोग विकास को ही मारने के लिए आए थे, लेकिन क्यों? सर विकास का पूरा फोन छान मारा, ना तो उसमें कोई धमकी का मैसेज है और ना ही किसी डाउटफुल आदमी से कांटेक्ट। आप लोगों के पास कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन इस केस से जुड़ी हुई? थैंक यू, आप जाइए। सर विकास के मोबाइल की लोकेशन का डेटा आ गया है। पिछले महीने उसका फोन 3 दिन तक आगरा में ट्रेस हुआ है। मतलब उन 3 दिनों में विकास ने सिर्फ अपनी माँ से बात की, आगरा के किसी आदमी से नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि विकास की माँ ने इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। सर हो सकता है विकास के इस आगरा के कनेक्शन से ही कुछ सुराग मिल जाए। तो हमें ये जानना जरूरी होगा कि विकास आगरा गया क्यों था। विकास तो कभी आगरा गया ही नहीं, और जाता तो हमें बिना बताए थोड़ी ना जाता। पिछले महीने की 3, 4 और 5 तारीख को विकास कहाँ था? वो सब तो मुझे याद नहीं, पर हाँ वो पिछले महीने अपने दोस्त के यहाँ रहने गया था। कौन सा दोस्त? कुछ नाम, कुछ नंबर, कुछ पता पता है आपको? नहीं साहब, लेकिन वो यही गाजियाबाद का ही है। हम विकास का सामान चेक करते हैं। कुछ भी करो साहब, लेकिन मेरे बेटे के कातिल को पकड़ लो, फांसी की सजा दिला दो उसे। आप धीरज रखिए। नीलिमा, सर ये देखो, जिस दिन विकास का मोबाइल आगरा से लोकेट हुआ था उस दिन आगरा होटल का बिल और पंपलेट दोनों विकास की जेब से मिले। गाजियाबाद टूर्स यहीं का आगरा हॉलीडे पैकेज 80% तक छूट, हनीमून मनाइए आगरा में। माता जी, कहीं आपके बेटे ने चोरी छुपे ब्याह तो नहीं कर लिया था? ना साहब ना, हमारा मुन्ना ऐसा नहीं था, वो तो मुझसे कुछ भी नहीं छिपाता था। कहीं उसने कोई अपने लिए लड़की ढूंढ रखी हो, किसी लड़की से यारी दोस्ती? ना साहब। जी सर, तुम्हारा पंपलेट है? जी हाँ सर। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? पिछले महीने 3, 4 और 5 तारीख को विकास दुबे तुम्हारी टूर कंपनी से आगरा गया था। 1 मिनट सर। नहीं सर, इसमें तो कोई इस नाम का तो एंट्री है ही नहीं। बाकी की एंट्री कहाँ है? सर उन दिनों कोई टूरिस्ट या हनीमून कपल आया नहीं होगा सर, इसीलिए। और कोई रजिस्टर? नहीं सर, बस यही है। पक्का ना? जी सर। नीलिमा। यस सर। अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, अंदर विकास के नाम से रजिस्टर में एक भी एंट्री नहीं है। कुछ तो मिस्ट्री है सर। ये भी तो हो सकता है कि विकास बिना टूर ऑपरेटर की मदद से आगरा गया हो। आगरा? ये आपके होटल का बिल है। जी। पिछले महीने की 3 तारीख का शाम 5 बजे की फुटेज दिखाओ। ओके सर। नीलिमा, सब लोग कहते रहे कि विकास का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है, और यहाँ तो कुछ और ही। फ्रीज करके जूम इन करो। 1 मिनट यहीं रुको। इस लड़की को जानते हो? नहीं सर। पहले कभी देखा हो? जी मैंने नहीं देखा, कभी नहीं देखा सर। इससे आगे पीछे की 8 दिन की फुटेज दिखाओ मुझे। ओके सर, ओके। 1 मिनट जी, ये रुको। इसके हाथ में तो 2 मोबाइल हैं। और सर उस लड़की के पास भी अपना मोबाइल है। सर हो ना हो, इस लड़की से हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिल सकता है कि विकास का मर्डर किसने और क्यों किया। अब सवाल ये है कि ये लड़की कौन है और कहाँ है, क्योंकि विकास की डेड बॉडी के पास से जो मोबाइल मिला वहाँ तो ना किसी लड़की का नंबर मिला और ना ही कोई रोमांटिक मैसेज। विकास के दूसरे नंबर से ही शायद उस लड़की का पता चल सकता है, लेकिन ये विकास का दूसरा नंबर मिलेगा कहाँ से? विकास के पास तो एक ही मोबाइल था। आपने पहले कहा कि आपका बेटा आगरा नहीं गया था, लेकिन वो आगरा गया था। आपके बेटे के हाथ में 2 मोबाइल मिले हैं और आप कह रहे हैं कि उसके पास एक ही मोबाइल था। आप चाहती भी हैं ना कि हम आपके बेटे के कातिलों को ढूंढें, उन्हें सजा दिलवाएं। हाँ। आप हमें सब कुछ सच सच बताइए माता जी। नीलिमा। सर, ये लड़की कौन है? ये कौन है? हो न हो इसी लड़की की वजह से मेरा मुन्ना। नीलिमा, एक काम करो, विकास के सामान की फिर से छानबीन करो, हो सकता है उसके दूसरे मोबाइल का कोई बिल या कुछ लिखा हुआ मिल जाए। ओके सर। नीलिमा। यस सर। नीलिमा, सपोज करो तुम्हारे पास दो मोबाइल हो और दोनों में से एक मोबाइल नहीं मिलता, तो तुम क्या करती हो? सर, अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर कॉल करती हूँ और फिर जब रिंग बजती है तो पता चल जाता है कहाँ है। एग्जैक्टली। ठीक इसी तरह विकास ने भी कभी ना कभी अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर कॉल जरूर किया होगा। विकास के मोबाइल की कॉल डाटा निकालो। ओके सर। एक नंबर मिल गया है, इस पे विकास ने एग्जैक्टली 2 बार मिस कॉल मारा है। सेम इसी नंबर की मुझे सारी डिटेल्स निकाल के दो। ओके सर। गेट इट फास्ट। थैंक यू। सर, उस दूसरे नंबर का डेटा निकाल लिया है, दोनों की लोकेशन एक है सर। मतलब ये दूसरा नंबर विकास का ही? पर सर, ये नंबर विकास के नाम पे नहीं है, ये नंबर किसी ज्योति त्रिपाठी के नाम से रजिस्टर है और इस नंबर से जितने कॉल्स लगते हैं वो भी ज्योति त्रिपाठी को ही लगते हैं। सर, हमने मोबाइल कंपनी से ज्योति त्रिपाठी की इन्फॉर्मेशन निकाली है और वहाँ से उसकी जो फोटो मिली है वो उस लड़की से मैच होती है जो विकास के साथ उस होटल में आगरा में थी। सर, ये दोनों नंबर एक हफ्ते से बंद है। ज्योति त्रिपाठी, एड्रेस क्या है इसका? सर, 12/6 गांधीनगर, गाजियाबाद। 12/6 गांधीनगर, गाजियाबाद। पुलिस ऑफिसर दिनेश सिंह और नीलिमा यादव ने विकास के एक और मोबाइल के बारे में पता लगाया जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। उन्होंने बड़ी चतुरता से यह भी पता लगाया कि विकास की एक गर्लफ्रेंड थी। पहेली बन चुकी विकास की जिंदगी की उन्होंने बारीकी से तहकीकात की। जो बातें वो अपनी माँ से नहीं कहा करता था, अपने दोस्तों से नहीं कहा करता था, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद पुलिस क्रिमिनल के और करीब पहुँच गई। लेकिन अब भी क्रिमिनल कौन था और कहाँ था इसके बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चला था। एक अकेली मां का अकेला बेटा मर चुका था। उसे न्याय दिलाने के लिए पुलिस ऑफिसर दिनेश और नीलिमा यादव को आखिर और क्या क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। ज्योति घर में? ज्योति? क्यों सर, क्या हुआ? ज्योति को बुलाइए, उससे कुछ बात करनी है। कौन है? ज्योति को बुलाइए। वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है। कौन से रिश्तेदार के? नंबर दीजिए उसका। पर हुआ क्या है कुछ तो बताइए। बता देंगे सब कुछ, पहले ज्योति को बुलाइए। क्या बात, क्या छुपा रहे हैं आप लोग? सॉरी सर, मैंने आपसे झूठ बोला। ज्योति किसी लड़के के साथ भाग गई। हमारा नाम खराब ना हो इसलिए सबसे यही कहते हैं कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है। किस लड़के के साथ भागी है? पता नहीं सर। ज्योति के भागने के बाद आपने पुलिस में कंप्लेन लिखाई? नहीं, इज्जत के मारे चुप रहे। इस लड़के को जानते हो? नहीं। नहीं सर। कौन है ये? लगता है ज्योति और विकास एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों को एक साथ आगरा के एक होटल में देखा गया था। विकास का मर्डर हो गया। हे भगवान, तुम्हारी ज्योति कहाँ है फिर? पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश सिंह और नीलिमा यादव ने बड़ी ही मुश्किल से विकास की सीक्रेटिव गर्लफ्रेंड ज्योति के बारे में पता लगाया, लेकिन अब एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। ज्योति अचानक गायब हो गई। अलग अलग संभावनाओं में पुलिस उलझ गई थी। कहीं विकास के कातिल ने ज्योति को अगवा तो नहीं करवाया था, या फिर कहीं ज्योति विकास के कत्ल में शामिल तो नहीं थी, या फिर विकास और ज्योति दोनों अलग अलग क्रिमिनल्स के शिकार तो नहीं थे, और इन क्रिमिनल्स तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी चालाकी और कितनी चुस्ती दिखानी पड़ेगी, और कितने टेढ़े मेढ़े रास्तों पर उन्हें चलना पड़ेगा। केस बहुत ही मुश्किल था, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश और नीलिमा यादव ने हार नहीं मानी। अपराधी ने कानून व्यवस्था को जो चुनौती दी थी, उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया। लेकिन आखिर में क्या पुलिस की जीत हुई? क्या पुलिस कामयाब हुई? देखते हैं हमारे कल के एपिसोड में, इसी समय, इसी चैनल पर। खाकी एक वचन।